बच्चे जोड़ना चाहते हैं। उड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? उड़ने के लिए सबसे पहले हल्का होना पड़ता है। आपने कभी बस में सफर किया है? बस में कभी आप बैग ले जाते हो, बस वाले ने कभी वेट उसका वेट किया है, तोला है उसे? नहीं तोला। क्यों? उड़ना नहीं ना। कभी आपने जैसे मान लो और भी कई सफर किए, बस में, ट्रेन में, कभी वेट आपका नहीं तोला गया है, ठीक है, बैग ले जा रहे हो, कोई नहीं तोलता है। मगर आप जब हवाई जहाज में यात्रा करोगे तो वहाँ पर क्या हुआ, वेट किया जाता है। 40 किलो 50 किलो से ऊपर वेट नहीं ले जा सकते, यही है ना। क्योंकि वहाँ वेट कम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वहाँ पर उड़ना है, उड़ान भरनी है आपको, तो इसलिए वहाँ पर वेट करना पड़ता है, हल्का होना पड़ता है उड़ने के लिए। तो आपको हल्के होने के लिए क्या है, क्या वजन है आपके पास? आपके पास वजन ये है कि जैसे मैं बच्चों को देख रहा हूँ, कई बच्चे बंद हो गए हैं, खासकर यहाँ पर जो बच्ची है उनको प्रॉब्लम आ रही है। वो क्या आ रही है कि दो चार दिन यहाँ आएंगी, आने के बाद यहाँ पर कुछ अशिक्षित लोग हैं रास्ते मिलते होंगे, वो क्या कमेंट करते हैं, बताइए आपको कभी तो जहाज उड़ाएगी, एक मजाक टाइम की, जिससे कि एक बेटी के दिमाग में बहुत एक बेटी के दिमाग में बहुत बड़ी चोट बैठती है, और जिसकी वजह से वो ग्राउंड में आना बंद कर देगी। या कुछ बच्चे पढ़ाई वाली भी हैं, रात दिन पढ़ रही है, कोचिंग जा रही है, तो उसके ऊपर कमेंट करेंगे कि ये तो बड़ी IPS बनेगी। जो कुछ अशिक्षित लोग हैं वो, तो उनके अशिक्षित लोगों की बोलने से और बच्ची अपने दिमाग पे एकदम माइंड कर जाती हैं और वो पीछे अपना लौटना शुरू कर देती हैं। तो उस बात को बिल्कुल उचित ध्यान, उनका लोड नहीं लेना है, बिल्कुल हल्का रहना है। पता नहीं क्या कहेंगे लोग, तुम कुछ करोगे तो भी कहेंगे और तुम नहीं कुछ करोगे तो भी कहेंगे, कहने वालों का तो काम ही है, ठीक है। तो इसलिए किसी की बातों पर ध्यान मत दो, अपना एक ये सब कुछ हल्का करके दिमाग में जो सोच, जो फालतू की बातें आती हैं, कोई क्या कह रहा है, हम पढ़ने जा रहे हैं तो, या कोई हम ग्राउंड में जा रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, कहने दो, हल्के रहो, ठीक है। क्योंकि आपको उड़ान पक्का भरनी है, फिर बोलो भरनी है, ठीक है, फिर तैयारी करो बेटा जोर शोर में, ठीक है, ओके।